शिवपुरी पुलिस कंट्रोल रूम में पुलिस महानिरीक्षक अनिल शर्मा और पुलिस अधीक्षक शिवपुरी राजेश सिंह चंदेल द्वारा पुलिस कंट्रोल रूम में शिवपुरी में सभी एसडीओपी और समस्त थाना प्रभारियों चौकी प्रभारियों के साथ क्राइम मीटिंग ली, जिसमें जिले के समस्त एसडीओपी और थाना प्रभारी उपस्थित हुए। मीटिंग में निम्न बिंदुओं पर सख्ती से कार्यवाही करने के निर्देश दिए। समस्त थाना प्रभारियों को लंबित अपराधों के निकाल हेतु एवं अपराधों में तुरंत कार्यवाही हेतु निर्देश दिए। साथ ही बताया कि कोई व्यक्ति थाने पर रिपोर्ट को आता है तो उसके साथ मानवीय एवं रिपोर्ट सुनकर कार्यवाही करते हुए उचित धाराओं में कार्यवाही की जाना चाहिए। बताया कि जिले में पेंडिंग चल रही सीएम हेल्पलाइन शिकायतों के निकाल हेतु एवं आवश्यक कार्यवाही के संबंध में सभी थाना प्रभारियों को निर्देशित किया। शिवपुरी से यूसुफ खान की रिपोर्ट। सभी थानों के से जो भी प्रभारी हैं उनसे बात की है, सारी चीज़ों का आपने मुआयना किया। देखिए, अभी मैंने आज पहला परिचयात्मक बैठक ली अपने थाना प्रभारियों के साथ, पुलिस के शिवपुरी के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ, पुलिस अधीक्षक श्री राजेश चंदेल के नेतृत्व में सभी पुलिस के अधिकारी अच्छा काम कर रहे हैं। क्राइम पर कंट्रोल है और मैं समझता हूँ कि हम लोग और बेहतर पुलिसिंग करें, इसके लिए हम लोग आगे काम करें। तो साइबर क्राइम ज़्यादा बढ़ रहा है, साइबर क्राइम तो उसको लेके कोई रणनीति से? साइबर क्राइम को लेकर के हमारी जो शाखाएँ हैं काम करती हैं, जोनल स्तर पर भी हमारे पास भी काम करने के लिए ब्रांच रहती है, हम उस पर भी काम करते हैं। और साइबर से संबंधित जो भी अपराध होते हैं उनको डिटेक्ट करने के लिए हम लोग लगातार सक्रिय रहते हैं और उसमें सफलता भी पाते हैं। अवैध रूप से जो शराब का बिक्री होता है उसके लिए कोई रणनीति बनाई? उसके लिए निर्देशित किया है कि अवैध शराब, जहरीली शराब, अवैध मादक पदार्थ, इन सब के प्रति जीरो टॉलरेंस रखें, उनके ऊपर तत्काल कार्रवाई करें और ऐसी कार्रवाई नहीं करेंगे तो उनको उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।